ओमेगा के मुंह में आपने हाथ डाल लिया, वो आपका हाथ नहीं काटती, ये तो आदमखोर होती है, ये तो चीर फाड़ देती है। यकीन करें कि मेरा वो पांव ही चाटती रहती है। खुर्रम साहब के पास बड़े जबरदस्त कबूतर भी हैं और गार्डनिंग का भी इनको शौक है, ये गार्डन भी खुद बनाया। मैं चूंकि पौधों से प्यार करता हूँ, ये बल्कि बड़ी महंगे एक्सपेंसिव है। आपका मेज़बान यासर शामी आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। डेली पाकिस्तान के पूरे इदारे की तरफ से आपको ईद मुबारक। आज हम आपको खुर्रम गुजर, जो कि एक बड़ा लग्जरी लाइफस्टाइल के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं, जिनके पास शेर भी हैं और दो किनाल पर मुहित एक बड़े बंगले नुमा घर में रहते हैं, जिसमें बेसमेंट भी है, स्विमिंग पूल्स भी हैं, जिम भी है, उसके साथ साथ गोल्ड प्लेटेड इनका पूरे का पूरा घर है। उनसे मिलते हैं और देखते हैं कि उनकी ईद आज किस तरह की गुजरती है। इनके पास बेशुमार हैवी बाइक्स भी हैं, बेशुमार महंगी से महंगी लग्जरी गाड़ियां भी हैं, इसके साथ साथ कबूतर यूनिक नस्ल के इनके पास पाए जाते हैं। इन्होंने अपने घर को किस तरीके से सजाया हुआ है वो तमाम तर अंदर का हम आपको विजिट करवाने के साथ साथ खुर्रम गुजर की जिंदगी के उन पहलुओं को आप तक पहुँचाएंगे जो शायद आज तक ना पहुँचे हों। हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, ईद मुबारक। ईद मुबारक। किधर है खुर्रम गुजर साहब? आज हमने छापा मार रहे हैं, सोए हुए हैं, आज ही उन्हें उठाते हैं बेडरूम। चलो हां जी, बेडरूम तक ही चलते हैं। खुर्रम भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम यासीन, आप रूम में पहुंच गए यार, आपका कोई हाल नहीं है? उठे जिम में चले हैं, बाकी जो जो आपने लवाजमात करने पूरे करें, ईद का दिन है। हाँ, वो तो है, आपको मिलना भी चाहते हैं और बहुत से लोग स्क्रीन पर ये जानना चाहते हैं कि खुर्रम गुजर का लाइफस्टाइल है क्या। हम खुर्रम गुजर के इस वक्त रूम में आए हैं और यहाँ पर ये बादशाह सलामत जो है वो आराम फरमाते हैं। बॉस मिला तमहीद, अब अपनी तमाम तर सर्विस। मैं अपने भाई के लिए 24/7 हाजिर हूँ, आई एम जस्ट कमिंग। हाँ जी, हाँ जी। दो किनाल के घर में रहते हैं और घर में ही इन्होंने एक बड़ा जबरदस्त जिम बना लिया है। बॉस आपको सुबह सुबह उठा दिया है, आम दिनों में भी रूटीन यही होती है, इसके अलावा? मैंने पहले नहीं था ऐसा, तो मसरूफियत ऐसी से जब से अल्लाह सुब्हानहु तआला से वादा किया कि आपके रहमो करम से मैं जिम करूंगा, और ये पहले रमजान शरीफ से शुरू है। आपको दिखाते हैं खुर्रम गुजर किस तरीके से ट्रेनिंग करता है और घर में ही ये जिम इन्होंने बनाया है। जिम करते वक्त आप किन बातों का ख्याल रखते हैं या आपके ट्रेनर किन बातों का आपको जो है वो तलकीन करते हैं करने और नहीं करने? वजन उठाना काम नहीं है, जिस्म बनाना काम नहीं है, आपको वो करना चाहिए जिससे आपको एक आप प्रॉब्लम दूर कर रहे हैं, दूसरी ना आ जाए पेन की शक्ल में। कितनी देर करते हैं जिम डेली? 1 आवर मैक्सिमम। एक घंटा हो गया इनको जिम करते हुए। जिम के बिल्कुल साथ एक बड़ा जबरदस्त बाथिंग एरिया है। खुर्रम गुजर एक शौकीन आदमी है जिसके पास बेशुमार किस्म की हैवी बाइक्स भी हैं और बड़ी गाड़ियां भी हैं। इन तमाम की अगर मैं मालियत की बात करूं तो ये करोड़ों रुपए की मालियत बनती है। भाईजान ये हैवी बाइक्स का शौक कब से है? कोई भी ऐसा शौक जो जिससे किसी को नुकसान नहीं है उसको मैं पसंद करता हूँ। रेसिंग वगैरह का शौक? नो, मुझे रेसिंग का नहीं शौक, बस चूंकि इनके ऊपर जब आप ड्राइव करोगे ना, आप इसको मतलब राइड पे चाहोगे तो एक डिफरेंट बज़ है। ये कौन सी बाइक है और उसके क्या फीचर्स हैं और उसकी प्राइस क्या है? ये एक्चुअल जो है ना होंडा है,
और इसकी प्राइस 2 मिलियन है, इससे ऊपर ही होंगे 20 लाख। और ये वाली, ये हायाबुसा सुजुकी का है। मैक्सिमम इसकी स्पीड कितनी होती है? इसकी 1300 cc होती है। इसकी कीमत कितनी है? इसकी 2.5 मिलियन। ये मकाओ की भी बात करते हैं ना, कावासाकी के ऊपर ये अनमोल है, ये अनमोल है। कावासाकी की प्राइस क्या है? ये भी कोई 2 मिलियन से अबव है। ये बड़ी जबरदस्त है, इसकी प्राइस क्या है? ये सेम है, मैंने जो बताया हायाबुसा वो व्हाइट वाला, इसी तरह ये ब्लैक खड़ा हुआ है, ये सेम ही है। 25 लाख से 30 लाख के अंदर अंदर इनका है वैल्यू। और ये भी 25-30 लाख की है? जी बिल्कुल। ये आपकी दो बड़ी V8s हैं और नंबर भी आपने बड़े जबरदस्त लगाए हुए हैं, 001 और 999। कद कितना है आपका? कद तो किरदार का नाम है, लेकिन हाइट जो है वो मेरी 5'11" है। ये शेर आपसे भी 1 फुट ऊंचा है और मैं एक क्लिप देखकर हैरत के समंदर में मुब्तला हो गया कि उसने आपके साथ यूं जफ्फी डाली हुई है, इसको अपना दीवाना किया कैसे? वो मेगा चुके मेरे हाथों में पली है और मैंने उसको अपने बेडरूम में अपने साथ सुलाया है। इस लेवल पे जब ताल्लुक बन जाए तो फिर ना डर होना चाहिए। ओमेगा के मुंह में आपने हाथ डाल लिया, वो आपका हाथ नहीं काटती है तो आदम खोर होती है, ये तो चीर फाड़ देती है। यकीन करें कि मेरा वो पांव ही चाटती रहती है। साहब के पास बड़े जबरदस्त कबूतर भी हैं और गार्डनिंग का भी इनको शौक है, ये गार्डन भी खुद बनाया है। मैं चूंकि पौधों से प्यार करता हूँ, ये बल्कि बड़ी महंगे एक्सपेंसिव है, ये मतलब कि एक पौधा नहीं है, इसके बहुत सारे पौधों को इन्होंने आपस में फिक्स किया है। ये इनके पास एक बड़े जबरदस्त कबूतर है और इनका ये दावा है, ये ऐसे खूबसूरत परिंदे हैं कि जो आपको दुनिया की नायाब नस्लें हैं वो खुरम गुजर के पास पाई जाती हैं। कितने कबूतर हैं आपके पास? 100 से ज्यादा हैं, लेकिन ये यूनिक हैं। अगर मैं इनकी मालियत की बात करूं तो तकरीबन कितनी बनती है? इनकी मालियत का नहीं मुझे अंदाजा, लेकिन इसमें ऐसे भी कुछ जानवर हैं जो अबव 2 लाख 3 लाख वो मतलब पेयर है ना, महंगे हैं। बच्चे भी दिए? बच्चे हैं, अभी वो नई नस्ल जनरेट हो रही है और बड़े जबरदस्त। आ जाओ मेरे बच्चे। इनको जरा उड़ा दें एक दफा, बड़ा खूबसूरत सीन होगा, बड़े यूनिक है। खुरम भाई यकीन करें मेरा दिल कर रहा है मैं खेलता रहूं। इनमें से कुछ हमें भी गिफ्ट्स करें ना। ये सारे आप ले जाओ। वाह 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 वाह, नहीं ये यहीं पे प्यारे लग रहे हैं, अल्लाह की हम्द सना करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। वो आपकी दुल्हन शेरनी सना जी आए जी, शेरनी से मिलवाते हैं आपको। अब मेरा बच्चा भी ये एक्चुअली तस्वीर जो है ना, एक दोस्त है, प्यार करते हैं, ये उनकी मोहब्बत की निशानी है कि उन्होंने हाथ से बनाई है। टीवी लॉन्च भी है, इसमें भी बड़ा जबरदस्त आपने फर्नीचर रखा है। मैंने ये देखा है कि आपके घर का जो ज्यादातर थीम है वो गोल्ड प्लेटेड है, डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़े हैं, और ये गोल्डन फ्रेंड्स भी हैं मेरे ख्याल आपके। ये गोल्डन फ्रेंड्स भी हैं और ये दिल के भी गोल्डन है सारे, और ये मेरे फ्रेंड नहीं है, ये मैं ही हूँ। इस वक्त हम खुरम गुजर साहब के घर की दो किनाल की जो बेसमेंट है उसमें है। आमतौर पर तासुर ये है कि 50 से 60 कम से कम दोस्तों का डेरा इनके पास लगा रहता है। मेरे लेफ्ट साइड पर स्नोकर क्लब है और ये स्नोकर जो है खुरम ने अपने दोस्तों के लिए बना रखा है, जो दोस्त आते हैं उनके साथ खेलते हैं, गपशप होती है। खुरम साहब
मैसेजेस तो लड़कियों के बहुत आते होंगे, प्रपोजल आज तक कितने आए? प्रपोजल मैंने इनबॉक्स में आंसर नहीं किया, तो कमेंट्स में आप वो प्रपोजल देती हैं। थोड़ी सी आप गेम भी खेल लें, तब तक मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये स्विमिंग पूल दिखाएं। स्विमिंग पूल तो आपने बड़ा जबरदस्त बनाया है, नहाते डेली है? डेली भी नहाता हूँ, किसी दिन रह भी जाता है। स्विमिंग कितनी देर करते हैं? एक घंटा से दो घंटे। माशाल्लाह, ये भी गोल्ड प्लेटेड। हाँ जी, ये मतलब के इसमें कोई वो कमी नहीं छोड़ी जो मेरे माइंड के मुताबिक इसको बेहतर कर सकती थी। ये फर्नीचर कहाँ से मंगवाया सारा? मुख्तलिफ टाइम पे चेंज हुआ है, मुझे मुतमिन नहीं कर। रुपयों में बात करूँ तो आपके घर में तकरीबन कोई 15 से 20 करोड़ रुपए का फर्नीचर है? मैं ये कह सकता हूँ इतना नहीं है, लेकिन 10 तक तो है ना। एक ऐसा रूम आपने जो तैयार किया है वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जो कि खुर्रम गुज्जर साहब ने अपनी वालदा की याद में बनाया है और बड़ा जबरदस्त एक रॉयल लुक है उसकी। आए जी देखते हैं। आए तशरीफ लाएं, आए तशरीफ लाएं। बड़ा जबरदस्त है, बड़ा एलिगेंट है और बड़ा रॉयल लग रहा है, मैरून गोल्ड। अच्छा, नॉर्मली ये कलर ना अच्छा नहीं लगता। बस बैठे हुए मैंने देखा मेरी वालदा की ना ये शॉल में ये मैरून कलर है और इन्हें ये कलर भी बड़ा पसंद होता था। इस कलर की वजह से मैंने कहा यार कल रात जब मैं बैठूं इस रूम में तो ये रूम मैरून रूम हो। 24 घंटे से पहले पहले मेरे अल्लाह पाक ने इसकी शक्ल चेंज करवा दी। इतना पैसा तकरीबन लग गया ड्राइंग रूम को बनाने? जिसकी दुआ और जिसके कर्म से जो आया हो वो लग जाए तो वो गिनते नहीं है, उसको काउंट नहीं करते। फिर भी कोई फिगर तो? फिगर मुझे याद ही नहीं, मैं अपने खर्चे नोट करूं तो किसी को बताऊं तो कोई बेहोश हो जाए। घड़ियों का आपको बड़ा शौक है और ये घड़ी भी डायमंड ओरिएंटेड लग रही है, ये कहाँ से आई? ये एक्चुअली लंदन से मैंने ली थी, मेरे पास है 5-7-10 है, तो लेकिन ये है कि मुझे शौक है। आपके जो लिबास हैं, पेंट कोट्स हैं, ड्रेसेस हैं, स्पोर्ट्स वेयर्स हैं, जूते हैं, परफ्यूम्स हैं और जितनी भी आपकी लाइफस्टाइल है बड़ा लग्जरी है। महीने का तकरीबन अपनी ज़ात पर कितना खर्च कर? मैंने कभी कोई खर्चा लिखा ही नहीं, नोट ही नहीं किया। सियासत में आने का कोई मुस्तकबिल में इरादा है? अगर मेरे मुल्क के लिए, अगर मेरे मुल्क के वो इदारे जो इसकी किस्मत के फैसले करते हैं और वो फौज के अलावा कोई नहीं है, मैं फौज के अलावा किसी को नहीं मानता, फौज के साथ इसलिए हूँ अगर वो भी इन पॉलिटिक्स की जैसे होते तो आज आप बांग्लादेश या इंडिया का हिस्सा बन चुके होते। सियासत में आने का इरादा रखते हैं? सर, मेरी फौज को जब मेरी जरूरत होगी मेरा खून भी हाजिर है जमीन के लिए। आप समझते हैं कि पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में फौज का किरदार होता है? मैं समझता हूँ पाकिस्तान पॉलिटिक्स में उनका किरदार फिजिकली वर्बली था, अब फिजिकली इसलिए कि जब पॉलिटिक्स ऐसी चीज बन चुकी हो जो मुल्क के इंटरनल मामलों को, मुल्क को खोखला कर रहा होगा, उसके फैसलों से नजर आ रहा होगा कि कितने जाहल लोग हैं हमारे जो लीडरशिप्स हैं। लेकिन मैं इमरान खान की शक्ल में एक मैसेज देना चाहूँगा, इसको टाइम दें, ये मुल्क के लिए अच्छा सोच रहा है, ये मुल्क के लिए एक मसाल कब कायम करेगा। खुर्रम गुज्जर साहब से तल्ख सवालात भी किए, इनसे कुछ ज़ाती सवालात भी किए, इनकी फैमिली के बारे में भी पूछा, इनके दोस्तों के बारे में भी पूछा और इन्होंने बड़ी फराख दिली से, बड़े तहम्मुल से, बड़े दिल के साथ, कुशादगी के साथ हर सवाल का जवाब दिया। ये कितना गलत कह रहे हैं, ये कितना दुरुस्त कह रहे हैं, इसका फ़ैसला आपने कर रहा है। हमने खुर्रम गुज्जर साहब का लाइफ स्टाइल आपको दिखाया। अपने मेज़बान यासिर शामी को DHA लाहौर से इजाज़त दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।